वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जाने माने वकील राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में राम जेठमलानी पर इल्जाम है कि ये नए नए विवाद खड़े करते हैं। राम साहब, जब आपकी उम्र 71 साल हुई थी 19 साल पहले, तब मैंने आपका स्टेटमेंट देखा था दैट आई विल एक्सेप्ट नो मोर केसेस। अब कोई मेरे पास में वकालत के लिए लेकर नहीं आए, लेकिन 19 साल हो गए, हर थोड़े दिन में आप कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं। देखो, मैंने बोर्ड लगा दिया था घर के बाहर। द ट्रबल इज दैट आई हैव नॉट लर्न टू से नो टू पीपल। देर आर सम फ्रेंड्स लाइक यू हु कम, व्हाट शल आई से, टेल मी, एंड विल यू बिलीव दैट आई मेक टन्स ऑफ मनी एट द बार, बट आई मेक इट फ्रॉम 10% ऑफ माई क्लाइंट्स। 90% ऑफ माई वर्क इज फ्री वर्क विच आई डू स्टिल, एंड आई डोंट होल्ड मनी लाइक मेनी पीपल। लेकिन आप, आई स्पेंड इट ऑन गुड पीपल। एक दो दिन पहले आप लालू यादव के लिए खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, आपने उनको बचाया? क्यों नहीं? वेयर जस्टिस, समबडी कम्स फॉर जस्टिस, इट्स माई ड्यूटी एज अ लॉयर, एंड यू नो दैट वी हैव अ रूल ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, स्टैट्यूटरी रूल। अगर उसका मैं उल्लंघन करूँ तो मुझे प्रोफेशन से निकाल सकते हैं। No lawyer shall refuse to defend a person on the ground that he believes him to be guilty, or that he is unpopular, or that he is believed by many other people to be guilty, or a bad person, or that it will bring him unpopularity. I am subject to the bar council rules. लेकिन एक तरफ आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ लालू को केस से बचाते हैं। लालू को केस से बचाने से क्या नुकसान होता है मोदी को? एक लालू तो सबसे बड़े क्रिटिक है नरेंद्र मोदी। अरे नहीं, कुछ नहीं है, लालू बेचारा क्या कर सकता। अगर लालू को कहूंगा तो वो भी मोदी को वोट देगा कब? ये राम जेठमलानी का जादू है। देखिए, कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी, उनका एक ट्वीट देखा मैंने। उन्होंने कहा कि राम जेठमलानी के क्लाइंट कौन कौन रहे हैं? हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, इंदिरा गांधी के हत्यारे, राजीव गांधी के हत्यारे, अफजल गुरु। नाउ लेट मी गो थ्रू दिस लिस्ट। मैंने अफजल गुरु की कभी वकालत नहीं की, ये झूठी बात है। आई अपियर्ड इन द सेम केस फॉर प्रोफेसर गिलानी। प्रोफेसर गिलानी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द सेशंस कोर्ट अलॉन्ग विथ अदर्स। देन व्हेन अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड, इट गोज फॉर कन्फर्मेशन, हाई कोर्ट पास जाता है केस, और हाई कोर्ट कैदी से पूछती है कि तुमको वकील अपना है या हम मुकरर करें तुम्हारे लिए वकील। और कैदी क्या करते हैं? बोलते हैं, साहब हमारे पास वकील नहीं है, वी कांट अफोर्ड इट, एंड वी वॉन्ट द हाई कोर्ट टू गिव अस अ लॉयर, एंड दे नाम भी लिख देते हैं कब। तो उन्होंने, प्रोफेसर गिलानी ने मेरा नाम लिखा था कि मैं राम जेठमलानी चाहिए, and the high court then inquires from me that the prisoner wants you to appear for him, will you appear for him? Aur hamare profession ki parampara hai ko, a request from the high court is treated as an order, and I have appeared free, I have spent money out of my pocket, I got that sentence of death set aside, he was acquitted by the high court, they went and again appealed to the supreme court against professor gilani, the supreme court upheld the acquittal. Acha, now comes to indira gandhi ka murderer balbir singh, sentenced to death, likewise high court asked me to appear for him free, I appeared, he lost even in the high court, I went at my own cost in the supreme court, the supreme court held that the case is false. Please don't misunderstand, not that I got him benefit of doubt by my argument. The Supreme Court held that the case against him is false. Achha. I have never appeared for Daud. Of course, I have appeared for Haji Mastan. Now, I have appeared for Haji Mastan in a case under the preventive detention law. Main preventive detention law ka dushman hu. I believe that in a democracy, nobody should be detained in jail without a trial. जैसे आप मेरे को ट्राई कर रहे हो अभी, समझे? और प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ऑल द माइल स्टोन्स ऑफ द लॉ
have not been created in the cases of good people. They have been created in the cases of bad people. And I have so revolutionized the whole law of preventive detention that a time came when no order of preventive detention was being sustained in the courts. लेकिन कभी कभी आप सुनो सुनो जो कानून मैंने सुप्रीम कोर्ट से हाजी मस्तान के केस में लिया जब भी वो हमारा बेचारा बड़ा फार्मर्स लीडर था महाराष्ट्र में जोशी जब भी उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में लगाया आई वेंट टू नागपुर एंड अपीयर्ड फॉर हिम फ्री एंड आई गॉट हिम आउट फ्रॉम द कोर्ट In 5 minutes, they set aside his order of detention because I quoted Haji Mastan's judgment. This is how law is made. The law, good law, is not made in the case of good people but bad people. लेकिन आपने जब ऐसे केस किए, जैसे का लाल मर्डर केस में जो एक्यूज़ था मनु शर्मा, उसको बचाया? नहीं बचाया ना? बचा नहीं सके वो अलग बात है. आपने कोशिश तो बहुत किया. ठीक है. मैंने वो तो सेशन कोर्ट ने तो उसको छोड़ दिया था. उसको हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, मगर उस बेचारे के कन्विक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी प्रेस के ऊपर है. आपको मालूम नहीं है कि प्रेस ने क्या गुनाह किया उस केस में. प्लीज़ अंडरस्टैंड इट टुडे इफ़ यू वांट टू. आई टेल यू व्हाट दे हैव डन एंड दैट केस इज स्टिल बीइंग फॉट. डोंट थिंक देयर इज एन एंड ऑफ इट. दैट केस इज नाउ अगेन कमिंग अप इन द कोर्ट. हम तो ये मानते हैं कि अगर मीडिया नहीं होता तो शायद उसको सजा नहीं होती, वो पकड़ा नहीं जाता, बच जाता. उन्होंने सारे गवाह खरीद लिए थे. अरे कोई खरीदा नहीं था. देखिए क्रिमिनल लॉ में तो मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं लॉ की बात नहीं करता, मैं आपको पब्लिक परसेप्शन. यू डोंट पब्लिक परसेप्शन. पब्लिक नहीं चाहती थी कि राम जेठमलानी अब जैसिका लाल के मर्डर का केस लड़े. पब्लिक मेरा एग्जैक्टली बार काउंसिल का रूल कहता है डायरेक्टली टू द कंट्री. The lawyer shall not refuse to defend a client on the ground that people believe him to be guilty or that he is unpopular. आप इसलिए नहीं ये केसेस लड़ते, आप इसलिए लड़ते हैं कि कोई आपके पास आ जाता है, आप इमोशनल हो जाते हैं और आप हाँ कह देते हैं. ये भी कुछ हद तक ठीक कहते हो आप. काफी ज्यादा यही ठीक है. नो कहना मेरे को बड़ा तकलीफ होती. राम इसलिए कॉन्ट्रोवर्सीज पैदा होती हैं क्योंकि आप लोगों को ना नहीं कहते तो और जहां आप जाते हैं कोई ना कोई एक कॉन्ट्रोवर्सी बताओ जो मैंने खरीद मैंने बनाया. एक बताओ. ये सारे आपने तो बनाए. अरे क्या कुछ तो बताओ. एक तो बताओ. आप ऐसे ऐसे केसेस लड़ेंगे. टेल मी द वर्स्ट कंट्रोवर्सी व्हिच आई हैव क्रिएटेड. लालू यादव का केस आप लड़ेंगे. लालू अमित शाह का केस. लालू यादव का सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस देखा. अमित जोगी का केस लड़ेंगे. हर पार्टी के कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर का केस राम जेठमलानी लड़ते हैं. येदियुरप्पा का केस आपने लड़ा. एंड दैट इज व्हाई आई से दैट द बिगेस्ट कल्प्रिट टुडे is the person from Karnataka who is responsible for BJP's debacle in Karnataka. Ab ye kaun hai? Mr. Anant Kumar. Acha, unhone... Please don't ask me further details about that man. Lekin aapko lagta hai ki... He was the man who wanted to be the chief minister of Karnataka. And he is the man who is the favorite of L.K. Advani. L.K. Advani wanted him to be the chief minister. This is the trouble is that L.K. Advani and Anant Kumar are responsible for what has happened to the party in this Karnataka. Sir, aaj ab apna politician jitne hain sab aaj corrupt ho chuke hain. To kya hum China ka example leke hamare yahan par desh mein aisa koi kanun nahi bana sakte hain ki politicians ko saza di jaye? Sir, the latest joke about politicians is that if there is one politician who falls into a river and drowns, it is going to be a case of pollution. But if all politicians were to fall into the river at the same time and drown, that is the solution. एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, उसके बाद हम जनता से भी पूछेंगे वो लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं. और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राम जेठमलानी पर जनता के मुकदमे का एक और टॉपिक. पहला इश्क कब हुआ था? पहला इश्क कब हुआ? पहला इश्क हुआ था जब मैं स्कूल के तीसरे दर्जे में था.